सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिस्टर सेवक मैकेनिकल को और साथ में बेल आइकॉन को दबाइए नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों जी, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टीवी का वीडियो और इस टीवी में फॉल्ट है कि ये डेड है, ये जो एलईडी है ये इसका ऑन नहीं होता, स्विच ऑन करने पर ऑन नहीं होता, तो ये फॉल्ट है इसका। इसके लिए हमें सबसे पहले सप्लाई चेक करनी होगी, देखते हैं कितनी सप्लाई कहाँ बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं इसकी सप्लाई कहाँ कितनी आ रही है। सबसे पहले हमें इसकी मेन एसी 220 वोल्ट स्विच पर आ रही है, उससे आगे डीसी 350 वोल्ट वो भी आ रही है, उसके आगे इसकी जो 110 180 वाली वोल्टेज है और ये है 120, बट क्या है कि सेट अभी भी डेड है, तो जो वर्टिकल आईसी को जाती है सप्लाई वो चेक करते हैं। 30 यहाँ पर 30 वोल्ट हैं, तो इसे ट्रेस करते हैं 30 जहाँ नहीं आ रही, ये रेजिस्टेंस ओपन हो सकती है, 30 वोल्ट है ये इधर आ रही है, इधर नहीं आ रही, तो रेजिस्टेंस पहले चेक करते हैं। रेजिस्टेंस इसकी ओपन हो चुकी है, जहाँ पर 2.2 ओम की रेजिस्टेंस होती है रेजिस्टेंस ओपन हो चुकी है, क्योंकि आगे वोल्टेज नहीं जा रहे, क्यों आगे का सर्किट शॉर्ट हो गया है। शॉर्ट होने के कारण भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। आईसी की शॉर्टेज के लिए हम यही चेक करते हैं, ये देखें जहाँ पर 30 है और आगे जो सप्लाई 0 वोल्ट है ड्रॉप हो रही है, और चेक करने पर पता लगा कि आगे का जो सर्किट है वो शॉर्ट है, तो एक सप्लाई तो जा रही है ये कॉइल के जरिए जा रही है आईसी, वर्टिकल आईसी जो है इसमें 7840, और एक सप्लाई जा रही है यहाँ से जो ये लगा है एलडीटी इस पर, तो इन दोनों में या तो जे शॉर्ट हो सकता है या जे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जहाँ से ओपन कर लेंगे और एक जहाँ से ओपन कर लेंगे, तो फिर देखते हैं कौन सी चीज़ शॉर्ट है। एक यहाँ से ओपन करते हैं, और एक ये जा रही है जो एलडीटी को रेजिस्टेंस, उसे ओपन कर लेते, पहले यही चेक कर लेते हैं, हो सकता है वर्टिकल आईसी खराब हो, हाँ ये देखो ये सेक्शन सही है,
जो आपका वर्टिकल आईसी है ये देखिए ये शॉर्ट हो चुका है। इसके लिए अब हम क्या करते हैं कि इसको आईसी को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि आईसी शॉर्ट है या कुछ और है। चल बस कर देते हैं, हम इसका आईसी बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आईसी शॉर्ट है या कोई सप्लाई में प्रॉब्लम है। क्योंकि आपके जो 120-110 वोल्टेज है वो सही है, ये रहा इसका आईसी 7840। तो अभी हम क्या करते हैं कि आप टीवी को ऑन करते हैं और जो जम्पर हमने कॉइल काटा था उसे लगा देते हैं। इसको दोबारा सोल्ड कर देते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है 2.2 ओम की, इसे चेंज करते हैं क्योंकि ये आगे का सर्किट शॉर्ट होने के कारण ओपन हो जाती है, सभी लोड इसी पर आ जाता है, इसी कारण ये ओपन हो जाती है। अभी वर्टिकल में जो आजकल कैट आ रही है उसमें आईसी और प्रयोग किया गया है, यूज किया गया है, उसका नंबर होता है 78040। ये ओनली 78040 है, रेजिस्टेंस काफी हीट हो चुकी है, ये देखिए ये ओपन हो चुकी है, इसे नहीं लगाते हैं हम। ये दो ओम के रेजिस्टेंस में अभी लगाते हैं प्रोब। रेजिस्टेंस सोल्व करती है, सप्लाई देते हैं। देखते हैं कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं मीटर है। यहाँ पर 30 वोल्ट है और जहाँ 30 ये कॉइल पर पहले आपने देखे थे वोल्टेज नहीं आ रहे, अभी वोल्टेज ओके है। ये देखें वर्टिकल आईसी आपका जो है शॉर्ट हो गया है और टीवी भी हमारा ऑन हो चुका है। बस प्रॉब्लम यही है कि आप का जो आईसी है वही खराब हुआ है, तो आप इसे चेंज कर दो, आपका फॉल्ट क्लियर है।